कुरुक्षेत्र के गांव बीजतपुर में हजरत पीर मौला बख्श की दरगाह और साथ स्थित दुर्गा स्वरूपा माता लाडू रानी के दरबार के गद्दी सीन बाबा राजेंद्र राठी पिछले 15 वर्षों से जून और जुलाई की भीषण गर्मी में आग के ढेरों के बीच तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की चौथी पीढ़ी इस तप को कर रही है। बाबा राजेंद्र राठी से इस भीषण गर्मी के बीच आग में बैठने के साहस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह तपस्या वे जनकल्याण के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि भगवान कहाँ है, तो उनका जवाब होता है कि तपस्या करने से ही भगवान का एहसास होता है। भगवान तो अपने चाहने वालों को इस तपती आग में भी ठंडी हवाओं का एहसास करवाते हैं। बाबा राजेंद्र राठी ने कहा कि वे अपने तप में भगवान से कामना करते हैं कि सभी की जायज दुआएं कबूल हो और जायज कार्य हो। बाबा राजेंद्र राठी ने अपना जीवन समाज कल्याण तथा समाज सेवा को समर्पित किया हुआ है। उन्होंने जग ज्योति के नाम से ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसमें वह बेसहारा तथा गरीब परिवारों के बच्चों को किताबें, वर्दियां तथा अन्य जरूरतों का सामान उपलब्ध करवाते हैं। विकलांग बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता, विधवा महिलाओं को दवा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। बाबा राजेंद्र राठी ने अनेक गौशालाओं का संचालन किया हुआ है, लेकिन आज समाज में गौओं की स्थिति को लेकर वे काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि गौओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आज समाज के लोग एक दूसरे को कह देते हैं, लेकिन खुद गौ माता की जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं। इसी चिंता को देखते हुए गौशालाओं में गौ सेवा जारी रखी हुई है। और तपस्या का तो जग कल्याण के लिए तपस्या की जा रही है। ये अभी कई बार सवाल भी उठते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, तो जब तपस्या करते हैं तब पता लगता है कि भगवान कहाँ हैं। कहने को तो ये बात है कि कण कण में भगवान हैं, बिल्कुल कण कण में भगवान हैं, लेकिन जैसे हवा हर जगह है, हवा हर जगह है, लेकिन उसका एहसास हमें धूम में नहीं होता। जब हम छाया में जाते हैं तब उसका एहसास होता है कि हाँ हवा है। और बस हमें जब हम तपस्या करते हैं, पंचधुनों में बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर एहसास होता है। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं ना, उनसे मैं यही कहूँगा कि पहले तो करके देखो, ठीक है। जब करते हैं ना, वहाँ बैठते हैं, सेवा करते हैं, तब पता चलता है कि रब अपने चाहने वालों को, पंचधुनों में बैठे हुओं को कितनी ठंडी हवाएं देता है। वो हमें है उसका एक्सपेरिमेंट। कम से कम मेरी ये अग्नि तपस्या मेरी उम्र के हिसाब से 15 साल से तो चल रही है। 15 साल से मैं हर साल करता रहता हूँ, और यही है उद्देश्य तो कि ज़्यादा से ज़्यादा जग कल्याण के कार्य दरबार शरीफ की तरफ से किए जाएँ। जो संगत दरबार में आती है उन सब के जो जायज़ कार्य हैं, जायज़ दुआएं हैं, वो कबूल हो सके। इसलिए अपने इस जीवन को सुधारने के लिए और आगे के जीवन को सुधारने के लिए बस चल रहा है, कर रहा हूँ। हाँ, ये जून और जुलाई के महीने में समय होता है इसका, बच्चे 12 से 3 बजे तक। एक मान्यता है कि इन दिनों में एक तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और दूसरा साधु संत सदियों से हम भी उसी को सुनते आ रहे हैं। मान्यता भी है कि अगर रब को पाना है इस महीने में तपस्या करो, अग्नि तपस्या करो, ठीक है, तो रब मिलता है। हमें तो मिल गया है। यहाँ पे दरबार है, हाँ, हजरत पीर मामू मौला बख्श साक्षात विराजमान है यहाँ पर, और इनके साथ दुर्गा स्वरूपा महामाई माता लाडो रानी है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा मतलब परदादा थे हमारे ठाकुर राम जी, उनके पास ये गद्दी थी। उनसे फिर हमारी दूसरी पीढ़ी में इंद्रराम जी के पास गद्दी आई। फिर हमारे पिताजी थे चौधरी मायाराम राठी जी, उनके पास ये आई, और अब मैं हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा है। तो सुनने में ऐसा है कि पहले आपने पुलिस की नौकरी करी, पुलिस की नौकरी छोड़कर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने नौकरी करी है, लेकिन इसके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरी हरी गुण गाने लगी, गली गली हरी गुण गाने लगी। बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहुत दुख होता है जब देखता हूँ मैं कि गऊ के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, समाज के लोग ही हमारे एक दूसरे पर विलेप करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन हकीकत ये है कि हम खुद ही, जो हमारे समाज के लोग हैं, खुद ही हम मतलब उसकी जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। मेरे को बहुत दुख होता है, और उसी दुख को देखते हुए मैंने गौशालाएँ चलाई हैं, ठीक है। जितना भी हो सकता है मैं अपने एरिए में जो मेरे
क्षेत्र में गौएं आती हैं उनकी रक्षा कर रहा हूं। टूटी फूटी गौओं को ले आते हैं यहाँ पर, उनकी सेवा करते हैं, दवाई बूटी करते हैं उनकी। और समाज में मैं यहाँ संगत में भी लोगों को समझाता रहता हूँ कि गौ के रूप में भगवान हमारे सामने है, साक्षात हमारे सामने है, उसकी सेवा करो, उसकी रक्षा करो, जो बहुत ज़रूरी है। तो उससे जो संगत मेरे साथ जुड़ी हुई है, काफ़ी संगत है, उस बात पे अमल कर रही है, जो गौओं की रक्षा के लिए मेरे साथ खड़ी है कदम कदम पर। कहीं भी ऐसी ट्रेजरी वाली गौ हमें मिलती है, मेरे पास फ़ोन आता है, दरबार की गड्डी जाती है, वहाँ से हम गौ को उठा कर ले आते हैं। फिर हमारी ट्रस्ट है जग ज्योति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो मुख्यालय इसका यहीं है, दरबार में ही है। तो इसमें मैंने दरबार की चैरिटेबल की तरफ से जो बच्चे हमारे गांव के भी हैं, आस पड़ोस के भी हैं, जो किताबों के लिए और वर्दी के लिए मतलब है, उनके माँ बाप उनको आर्थिक सहायता से नहीं दे पा रहे हैं, हम उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। नंबर एक तो ये है। दूसरा भी पीछे दो चार मेरे पास ऐसे आए थे लोग जो बेचारे अपाहिज हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो उनको भी हमने 10-10, 11-11 हज़ार रुपये के चेक दिए हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको आगे अच्छी शिक्षा दे सके। तीसरा कार्य है जो विधवा औरतें हैं मेरे गांव में, आस पड़ोस में, जिनको कोई सहारा नहीं है, पीछे न्यूज़ भी लगी है, तो हमने उनको भी जो हमारे से संभव हो सके हमने उनको भी दान दिया है ताकि वो अपनी दवाई बूटी का खर्चा चला सके। और आगे भी जैसे जैसे ज़रूरतमंद लोग मेरे पास आते रहेंगे, मैं ट्रस्ट की तरफ से और दुआ करता रहूँगा और उनकी सहयोग करता रहूँगा।